भारी बरसात और माइनर टूटने से कोसली क्षेत्र के कई गांवों की हजारों एकड़ फसल हुई जलमग्न है। गांव के किसानों की सारी फसल कपास बाजरा गुआर सब बर्बाद हो चुके हैं। लोगों ने मूंग की फसल लगाई थी वो भी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। घरों में घुसा पानी, कच्चे मकान मलबे में हुए तब्दील। इसमें इतनी भारी समस्या है, कल से ये घरों में देखो पानी अंदर तक घुसा हुआ है। पानी निकासी के लिए कोई समाधान नहीं है इसका। पूरा पानी घरों में जा रहा है। अब हमारे तो थोड़े ऊंचे ऊंचे मकान हो गए तो पानी अंदर नहीं जा रहा, बट और ये भी तो है पड़ोसी इनका सब सबके घरों में गया पानी, और पानी की वजह से अब देखो कुछ कुछ बह के भी अंदर जा रहा है। कोई जीव जिनावर भाई बच्चों का भी सबने खतरा ही है यहाँ पे तो, और कोई सुन ही नहीं रहा, लाइट की कोई नहीं सुन रहा। लाइट टूटे मकान, पानी से लबालब भरे घरों व गलियों की यह तस्वीरें। जिला रेवाड़ी के अंतर्गत आने वाले कोसली के गांव रतनथड़, मस्तापुर, गंगायचा और रोहड़ाई की है, जहां एक दिन पूर्व हुई भारी बरसात और माइनर टूटने से नहर व बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे उनका घरेलू सामान खराब हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ इन गांवों की हजारों एकड़ फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई। किसानों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समस्या का कोई उचित समाधान नहीं किया गया और इनकी बर्बाद हुई फसलों का इन्हें मुआवजा दिलवाया जाए। ZPRmart.com सभी प्रकार का किराना, घरेलू व कॉस्मेटिक सामान उपलब्ध, उत्तम दाम, सर्वोत्तम सामान। कोसली का ऑनलाइन स्टोर। दिमाग की बत्ती जलाओ, पैसा व समय दोनों बचाओ, घर बैठे सामान पाओ। ZPRmart.com समस्या पानी की यो घर में वहाँ तो नहर भी टूटी पड़ी है और बारिश को भी है, तो इस बारिश को तो यही हो जाता सारो, और ये नहर टूटी पड़ी है को कोई साधन नहीं हो रहा, और रात तो बैठा रहा आधे डांगा ढोरिए पड़ा हम में। कोई अधिकारी नहीं आया? कोई नहीं आया, आया था वो पुलिस अभी आया था और कुछ करके नहीं गया। अब बताओ हम क्या करें, आप लगा कई लोग तो सांप मार दिया या पानी की समस्या हो रही सबसे ज्यादा तो, और मकान लाग रहा कई परे को डंडा पड़ गया, मकान पड़ गए जितने पानी में, घड़े घड़े पानी में मकान पड़ गया। अभी चौपाट में बालक को चले जाकर पटक रहा का कोई रोटी नहीं, कोई टूक नहीं, बताओ भूखा मर जाऊंगा ये। और जो ऐसी समस्या सरकार ना सोचे तो सुन चाहे हम गिर दे ठके, कोई सावधान ना करे तो। बीपीएल कॉलोनी आपकी? हाँ जी, बीपीएल कॉलोनी है। गांव की बात करें तो जी रतनथड़ में आप मौका देख ही रहे हो पत्रकार साहब, गांव का बहुत बुरा हाल हो चुका है। जो कल 24 घंटे की जो बारिश आई उसके अंदर बहुत बुरा हाल हो चुका है। पानी पानी है, गांव के किसानों की सारी फसल कपास बाजरा गुआर सब बर्बाद हो चुके हैं। लोगों ने मूंग की फसल लगाई थी वो भी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। हर खेत के अंदर पानी से पांच पांच चार चार फुट पानी भरा हुआ है। जमींदार कति बारह बाट हो चुके हैं, और गांव के अंदर भी हमारा एक नहर टूट गई पैरादवास से। उस नहर के टूटने के कारण और भारी बारिश के कारण गांव के 50-60 घरों के अंदर पानी बढ़ चुका है, जो कई 12-15-20 घर डैमेज हो चुके हैं। बहुत बुरे हालात है। हम सरकार से मीडिया बंधुओं के जरिए एक ही मांग करते हैं कि इस आपदा के अंदर इस ग्रामवासियों का साथ दे, और भाई जो भी हमारे किसानों की फसल बर्बाद हुई है उनकी भरपाई करे सरकार, क्योंकि किसान के पास नौकरी तो है नहीं, यही अब खाने पीने का एक ही साधन था, अपने खेती करते थे इससे गुजारा होता था, और वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। हमारी यही अपील है कि भाई सरकार इस पर ध्यान दे और ज्यादा से ज्यादा किसानों का सहयोग करे, और जिनके भी मकान डैमेज हुए हैं उनको भी सरकार से अपील करते हैं कि मुआवजा मिले, क्योंकि गरीब आदमियों ने अपना मजदूरी मेहनत कर करके मकान को तैयार किया था, आज वो मकान बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। कितने परेशान हो रहे हैं, कल रात तो देखो अब पूरा पानी घरों में जा रहा है। अब हमारे तो थोड़े ऊंचे ऊंचे मकान हो गए तो पानी अंदर नहीं जा रहा, बट और ये भी तो है पड़ोसी इनका सबका कितना नीचे पड़ रहा है पानी, सबके घरों में गया पानी, और पानी की वजह से अब देखो कुछ कुछ बह के भी अंदर जा रहा है। कोई जीव जिनावर भाई बच्चों का भी सबने खतरा ही है यहाँ पे तो, और कोई सुन ही नहीं रहा, लाइट की कोई नहीं सुन रहा, लाइट जा रही है कल रात से लाइट नहीं आ रही, बहुत परेशान हो रहे हैं। कुछ भी मदद नहीं मिल रही हमने तो, अगर मदद मिलती तो ये सारा पानी निकल ही जाता। क्या कहते हैं अधिकारी, कोई आया क्या प्रशासन? हमारे पास तो अभी फिलहाल कोई नहीं आया।
भाई अगर कोई आता तो हम बताते भी उनको, मदद भी करते हैं, लेकिन कोई आया ही नहीं है तो बताएंगे क्या? अगर यहाँ आए तो फिर बताएं ना उनसे, कोई भी नहीं आ रहा हमारे पास, तो सुनाई किसी चीज की नहीं है। नहीं तो यहाँ लाइट आती और पानी और आ गया बस। अब देखो कैसे सब परेशान हो रहे हैं, आपको पता ही है, टिकट जाती है। कोई बारिश थोड़ी नहीं आ रही है, फिर भी नहीं आ रही। और पानी अंदर आप चलो देखो कहाँ तक पानी आया हुआ है, आओ मैं दिखाती हूँ आपको। हमारे बिल्कुल घर का बुरा हाल हो रहा है, बिल्कुल बहुत पानी आया। फिर किस प्रकार की समस्या है गांव की बात करें, कौन सा गांव है? गांव मस्तापुर है जी। इसमें इतनी भारी समस्या है, कल से ये घरों में देखो पानी अंदर तक घुसा हुआ है। पानी निकासी के लिए कोई समाधान नहीं है इसका। प्रशासन के कोई अधिकारी मौके पे आए हों? अभी तक तो कोई आया नहीं, हमने देखा नहीं, कहीं घूम फिर के देख गया हो कोई तो। पूरे गांव में चारों तरफ यही हालात है, पानी भरा हुआ है हर तरह। कोई जान माल का नुकसान? जान माल का नुकसान तो अंदर तक देखो ये पानी तक घरों में अंदर घुसा हुआ है। कोई मकान गिर ऐसी तो अभी नहीं आया है, लेकिन हो सकता है अगर और बारिश होगी तो हो ही जाएगा। ऋतु किस प्रकार की समस्या है? हमारे घरों में पानी घुस गया है और नहर टूटी हुई है, प्रशासन से कोई समाधान मिल नहीं रहा और हमारे घरों में पानी बढ़ रहा है, कोई भी हल नहीं कर रहा है इस समस्या का, क्या करें? ये बीपीएल कॉलोनी है। तो किस प्रकार से प्रशासन की तरफ से मदद मिल पा रही है? कुछ भी मदद नहीं मिल रही अब तो, अभी तक तो कोई नहीं आया। आगे गांव में भी पानी बंद कर दिया है, दूसरे गांव में जा रहा तो उन्होंने बंद कर दिया है, सारा पानी यहीं पे जमा हो रहा है। अच्छा, जब ये हाईवे जब उठा था तब हमने उसको पुल बनाने के लिए कहा था, लेकिन प्रशासन ने उस टाइम माने नहीं। अब पूरा गांव चारों तरफ से जलमग्न है, एकदम की दीवार भी गिर चुकी है, बाहर निकलना आपको दिख रहा है तो बड़े। तो किस जो लोगों का आम जीवन है वो किस प्रकार व्यस्त? अंदर ही अंदर है, बाहर का तो खेत तो कर रहे तो काम हो ही नहीं रहा, सब अपने अंदर अंदर काम कर रहे हैं, बाहर का कोई है ही नहीं। तो प्रशासन क्या कहता है? प्रशासन अभी आया था, प्रशासन क्या कह गया, जो हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, जेसीबी साथ लेके आए थे अभी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, वो एक बार जेसीबी का 15 टेकर करे। नल की टूट गया।
ऐसा देखता हुआ था। ऊपर से करो ना बताओ।
यहाँ भीतर देवी माई के भीतर हॉस्पिटल डूबी या टंकी डूबी तो कितनी zbrmart.com सभी प्रकार का किरियाना घरेलू व कॉस्मेटिक सामान उपलब्ध। उत्तम दाम सर्वोत्तम सामान। कोसली का ऑनलाइन स्टोर। दिमाग की बत्ती जलाओ, पैसा व समय दोनों बचाओ, घर बैठे सामान पाओ। zbrmart.com